नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में क्यों रहते हैं और इसकी परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। तो चलिए आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भवन भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है। यह इटली के रोम में स्थित क्वेरिनल पैलेस के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थल है। इसमें 750 कर्मचारी हैं, जिनमें से 245 राष्ट्रपति सचिवालय में हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन आजादी के बाद इस भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचार्य जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने से पहले सी राजगोपालाचार्य जी को पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम के नीचे शपथ ली थी। दोस्तों, सी राजगोपालाचार्य जी राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय जरूर थे, लेकिन वह प्रेसिडेंट के लिए बने राइसी कमरे में नहीं रहे। इस आलीशान कमरे की भव्यता उनके विनम्र स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। उन्हें प्रेसिडेंट का कमरा व्यक्तिगत प्रयोगों के लिए आकार में बहुत बड़ा और शाही लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी जगह तब के गेस्ट हाउस के एक छोटे कमरे में ठहरने का फैसला किया, जिसे अब राष्ट्रपति भवन का फैमिली विंग कहा जाता है। दोस्तों, राजगोपालाचार्य जी ने राजभवन में जो परंपरा स्टार्ट की, वो आज भी जारी है। उनके बाद जितने भी राष्ट्रपति इस भवन में रहने आए, सभी ने प्रेसिडेंट के आलीशान कमरे की जगह उसी कमरे में रहना पसंद किया, जहां पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। दोस्तों, कुछ समय बाद प्रेसिडेंट के कमरे को गेस्ट विंग में बदल दिया गया। अब इस गेस्ट विंग में अन्य देशों के प्रेसिडेंट और उनका प्रतिनिधि मंडल रहता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।